गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए बेटा, हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे सॉल्यूशन। आज हम नया टॉपिक करने जा रहे हैं बेटा, जिसका नाम है दैट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ द सॉल्यूट के ऊपर या अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है, उनके नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इस बात का ध्यान रखना बेटा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट की अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती है बेटा, उनके नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो आपके पास कुछ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जैसे कि फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है आपकी रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, जैसे आपकी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये चार टाइप के आपके पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो देखिए बेटा, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है? रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि राउल्ट्स ला फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, कि आपका कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है वो किसके अंदर डाल देंगे आप? वोलेटाइल सोलवेंट के अंदर। तब आपने चेक किया था कि जो आपका वेपर प्रेशर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट के बराबर है। क्लियर बेटा? तो आपने क्या चीज निकाली थी? आपने ये चीज निकाली थी कि प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर है माइनस ये क्या है आपका वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, और ये क्या है आपका प्योर स्टेट में जो है। क्लियर? तो ये किसके बराबर आया था आपका? n टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट के बराबर आया था। अब हम इससे ये कैसे बता सकते हैं कि कैसे ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? तो आपको सीधे सीधे नजर आ रहा है बेटा कि ये जो आपका रिलेटिव लॉरिंग वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट के इक्वल है। तो हमने क्या पढ़ा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में कि वो प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट के ऊपर बेटा। तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट है, यहां से आप क्या निकाल सकते हैं? मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हैं, वेट भी निकाल सकते हैं सॉल्यूट का। तो देखिए, तो इससे ये साबित हो गया कि ये किसके ऊपर डिपेंड है? सीधे सीधे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड है। क्लियर? तो आप कैसे इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, देखिए मैथमेटिकली कैसे करते हैं। हाउ टू फाइंड मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास आप कैसे निकालते हो? देखिए, फ्रॉम रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के हेल्प से। तो देखिए बेटा, आपको ये पता है टोटल का है, आप कंप्लीट लिख भी सकते हैं इसको एस, यहां पर आपने लिखा एन टू और एन वन और एन टू। तो यहां पर देखिए जो ये आपका है एन टू, व्हाट इज दिस? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस सॉल्यूट। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कोई निकालने के लिए बोले तो आप क्या लिखेंगे? गिवन वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो यहां पर टू लगा हुआ, तो हम ऐसे लिख सकते हैं गिवन वेट ऑफ द सॉल्यूट और डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। अगर कोई आपसे ये कहे कि सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, तो गिवन वेट ऑफ द सॉल्वेंट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। क्लियर बेटा?
बट यहां पर एक चीज देखिए क्या है आपके पास, ये जो आपका सोल्यूट है, इस सॉल्यूशन के अंदर ये जो सोल्यूट है वो बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है बेटा। जो चीज कम अमाउंट में होती है तो हम उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, तो आपके पास इक्वेशन आ जाती है पी नॉट पी डिवाइड बाई पी नॉट, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी कुछ ऐसे। क्लियर बेटा, एन टू को सॉल्यूशन के अंदर जो एन टू है कम अमाउंट में प्रेजेंट है इसलिए आपने उसको नेगलेक्ट कर दिया है, तो आपके पास इक्वेशन आ जाती है ये। अब ये एन टू और एन वन की जो वैल्यू आपके पास आई है उसको इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपके पास क्या आएगी पी नोट पी बाई पी नोट क्या आएगा, एन टू की वैल्यू होती है बेटा डब्ल्यू टू बाई एम टू डिवाइड बाई एन वन की वैल्यू डब्ल्यू वन बाई एम टू। तो आपके पास एक प्रॉपर इक्वेशन क्या बनकर आ जाएगी, पी नोट यहां पर डब्ल्यू टू, डब्ल्यू टू कुछ ऐसे है, एम टू ये है। अब ये देखिए जो सॉरी ये इधर एम वन है, ये जो एम वन है ये आपका ऊपर चला जाएगा, यहां पर ऐसे आप लिख देंगे और यहां पर डब्ल्यू वन आ जाएगा। इज इट क्लियर, तो इसकी हेल्प से आप क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके बेटा, तो ये क्या था आपका फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इज इट क्लियर, आई होप आप सभी को समझ में आई होगी। थैंक यू।